आज का टॉपिक है ट्रिक्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो टॉपिक है इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने मुझे डिमांड की थी, इसलिए मैं ये टॉपिक आपके सामने आज लेके आया हूँ। बिल्कुल आसान है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, बस थोड़ा सा आप याद रखें कि अगर हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो आपको कौन कौन से ऑर्बिटल चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एस, उसके बाद पी और उसके बाद डी। ये आपके पास ऑर्बिटल होने चाहिए। और एस कितने होते हैं? एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। और पी में कितने होते हैं? एस में एक और पी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? पी सबशेल के कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन। और डी सबशेल के पांच। ये आपको रखना है दिमाग में। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो शुरू होता है कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स मींस बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स, इनका सम इफ इट कम्स आउट टू बी टू, देन वी स्टार्ट विद एस, देन हाइब्रिडाइजेशन इज एस एंड वन एस एंड वन पी, सो टोटल बिकम टू, सो इट इज एस पी। इफ इट कम्स थ्री, टोटल सम कम्स थ्री, देन इट इज वन एस एंड हाउ मेनी पी? टू, सो इट इज एस पी टू। देन फॉर फोर, वन एस एंड थ्री पी। नाउ फॉर फाइव, टेल मी, इट इज एस पी फोर? नो, बिकॉज पी हैज मैक्सिमम थ्री ऑर्बिटल, सो एस पी थ्री एंड वन डी। फॉर सिक्स, इट इज एस पी थ्री डी टू। एंड फॉर सेवन, इट इज एस पी थ्री डी थ्री, राइट? टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वी कैलकुलेट नंबर एंड अकॉर्डिंगली असाइन। जैसे पहला है NH3, इन NH3, हाँ, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर निकालने के लिए अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गो थ्रू माय वीडियो ट्रिक्स फॉर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, राइट? ओके, सो NH3 में, NH3 में बॉन्ड पेयर तीन और लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने बचे? दो, सो एक लोन पेयर। तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए? चार। तो चार मीन्स नाइट्रोजन हैज एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। नाउ BCl3, थ्री बॉन्ड पेयर्स, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तीन, तो नो लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर। तीन बॉन्ड पेयर मीन्स sp2, PCl5, ASF5, all are same. Arsenic, phosphorus of the same group. So, 5 bond pair, 5 bond pair. So, this may be 5 bond pair, no lone pair. So, sp3d. NO2 positive. Now, next is NO2 positive. In NO2 positive, bond pair 2, nitrogen, ka ek electron nikal gaya. So, kitne baje iske paas? 4. चार में से चारों यूज हो गए, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितने यूज करता है? दो। ये उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, प्लीज उसको देख लेना, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना। तो दो बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी। NO3, तीन बॉन्ड पेयर और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? पांच और एक छह, तो टोटल सारे यूज हो गए, तीन बॉन्ड पेयर। sp2, चार बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, तो sp3। ClO2 नेगेटिव,
दो बॉन्ड पेयर, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? सात, सात में से सात एक गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आठ, आठ में से चार यूज हो गए, तो दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? चार, तो sp3 SO2, दो बॉन्ड पेयर, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? छह, छह में से चार यूज हो गए, तो बचे कितने? दो, तो दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो sp2 तीन बॉन्ड पेयर, चार इसके दो ही, छह, छह के छह यूज हो गए, तो sp2 तीन बॉन्ड पेयर, ऑल आर यूज बिकॉज सल्फर हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन ओनली, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 चार बॉन्ड पेयर, टोटल आठ इलेक्ट्रॉन है, चार यूज हुए कि मोनोवेलेंट आ गया ना, चार यूज हो गए तो चार बचे, तो चार दो मतलब छ, छ मीन्स sp3d2 CO2 दो बॉन्ड पेयर, कार्बन पर चार इलेक्ट्रॉन, चार में से चार यूज हो गए, तो दो बॉन्ड पेयर मीन्स sp. व्हाट अबाउट दिस? पांच बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए? चार यहां दो यहां छह, और आठ में से छह यूज हो गए, तो एक बचा पेयर, एक लोन पेयर और पांच बॉन्ड पेयर मतलब छह, sp3d2 चार, दो ऑक्सीजन दो फ्लोरीन, चार हुए, चार और इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए? दो और चार छह, छह में और आठ इसके पास है, आठ में से छह यूज हो गए, तो एक पेयर, चार प्लस एक पांच, sp3d दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर पांच, दो बॉन्ड पेयर और नाइट्रोजन पांच और एक छह, छह इलेक्ट्रॉन में से दो यूज हो गए, तो बचे कितने? चार, चार बचे, तो दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर मींस sp3 ठीक है, इधर दो बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन, छह में से दो यूज हो गए, तो कितने बचे? चार, तो दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर sp3 तो डी ऑर्बिटल कौन सा यूज होगा यहां बताओ, इसमें डी ऑर्बिटल यूज होता है, याद रखना ये dz2, और इसमें जो डी ऑर्बिटल यूज होते हैं दैट इज dx² - y² and dz² इसमें डी ऑर्बिटल जो यूज होते हैं वो होते हैं dxy dyz dzx, जैसे IF7 है तो बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, सात इलेक्ट्रॉन सात बॉन्ड पेयर सॉरी आयोडीन के पास सात ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे यूज हो गए, तो सात बॉन्ड पेयर मींस sp3d3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल रूल है, आपके पास CH3CH3 है, आप क्या करो इसको ओपन अप कर लो, ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख दो इसका, लो कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख दो, आपको सामने दिख जाएगा इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बताओ, सिग्मा बॉन्ड एक दो तीन चार, फिंगर रूल चलता है यहां, चार सिग्मा बॉन्ड तो sp3, तीन सिग्मा बॉन्ड तो sp2, दो सिग्मा बॉन्ड तो sp, सिंपल, तो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? चार, इसने भी कितने बनाए? चार, तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 इधर आ जाओ, सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, इसने कितने एच से बॉन्ड बनाया? दो, और इसने भी दो, तो एक दो तीन, मैंने लिखा है सिग्मा बॉन्ड्स को ही बॉन्ड पेयर बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बॉन्ड पेयर या प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर तो कोई है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने? एक दो तीन, एक पाई बॉन्ड है, दो बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है एक पाई, दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है याद रखना, तो तीन सिग्मा बॉन्ड तीन सिग्मा बॉन्ड, तो तीन मीन्स sp2 इधर आ जाओ, बोलो CH2
ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो इसमें कितने बॉन्ड बनाए, दो सिग्मा बॉन्ड, इधर भी दो सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हर एक कार्बन की, एसपी बेंजीन रिंग में। अब इसमें दिख नहीं रहा है, बट कार्बन जो है ये वाला कार्बन, इसने क्या इधर बॉन्ड बनाया, इधर भी बॉन्ड बनाया, तो कितने बॉन्ड बनाए, तीन, बनाता कितने टोटल, चार, मतलब एक क्या होगा हाइड्रोजन, एक क्या होगा हाइड्रोजन, तो कितने बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एक दो तीन, तो हर कार्बन ने ऐसा किया तो एसपी टू, हर कार्बन एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये ऐसे याद करो कि अगर कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया है तो एसपी टू, कोई सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए तो एसपी थ्री, दो पाई बॉन्ड बनाए हैं एक ही कार्बन ने तो एसपी। इधर आ जाओ, इसमें थोड़ा सा रेजोनेंस का पार्ट है, देखो ये डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर, दे आर इन कॉन्जुगेशन। अगर आपको रेजोनेंस नहीं आती है तो मेरा रेजोनेंस का वीडियो है, प्लस आर माइनस आर इफेक्ट पे आप देख सकते हो। तो ये लोन पेयर जो है दैट इज इन्वॉल्वड इन कॉन्जुगेशन, ऐसे तो क्या हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। तो ये रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लोन पेयर, ये लोन पेयर किसका पार्ट बन गया, पाई इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इस लोन पेयर ने भी पाई बॉन्ड बनाया और पाई बॉन्ड लोन पेयर बना। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन का जो स्टेट है वो ही इसका भी होगा, क्योंकि ये एक जैसे है ना, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, दो हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ, तीन, तो ये क्या हुआ एसपी टू। इसने क्या किया, इधर एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ एक इसके साथ, अगेन एसपी टू, और ये जो है एक लग रहा था पहले, अगर नहीं बनाता मैं ये तो आपको ऐसा ही आएगा क्वेश्चन। तो आपको याद रखना कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में हो तो लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अब इस कार्बन के तीन सिग्मा बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ, और लोन पेयर नहीं है क्योंकि लोन पेयर पाई बॉन्ड बन गया है, तो ये भी एसपी टू होगा बेटा, याद रखना। इधर यहां भी रेजोनेंस है क्योंकि ये डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में, ऐसे करके इधर आया तो ये पॉजिटिव, ये भी सारे एसपी टू ही होंगे। तो कार्बन आयन कार्बोकेटायन, बट ये कार्बन आयन जो है उसका नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ये पाइरोल। अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो बेटा इस नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं बताना जरा, एक दो तीन, और एक क्या दिख रहा है लोन पेयर, बट ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन एज द प्रीवियस केस, जैसा हमने किया वैसा ही है, ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट बन जाएगा, तो लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट बन जाएगा, तो लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल, ये लोन पेयर नहीं है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड, तीन, एंड नो लोन पेयर, तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी टू। इसमें सेम वन लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, देख लो याद रखना है दो लोन पेयर, बट कॉन्जुगेशन में एक ही लोन पेयर जाएगा क्योंकि एक ही लोन पेयर एट ए टाइम जा सकता है, तो इसमें कितने दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, दिख रहे हैं दो बट है इंटैक्ट एक, एक कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट बन गया, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई बोलेगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे दो प्लस दो प्लस दो, तो छह पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें दो प्लस दो प्लस दो, तो सब में सिक्स सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी टू, इसकी भी होगी एसपी टू, सामने दिख रहा है ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, तो वन टू एंड वन लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। इधर ये बताओ ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है,
अब ये मत बोलना कि ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। इधर देखो, लोन पेयर और डबल बॉन्ड साथ ही है, ऐसा होना चाहिए कि दोनों साइड से कॉन्जुगेशन में, ऐसा नहीं एक साइड से, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इस नाइट्रोजन के दो सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड B2H6। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि B2H6 जो है उसमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। वो डिटेल में अलग से वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, उसको भी आप देख सकते हो। हाँ, PtCl42 नेगेटिव, ये जो मैंने सारे लिखे थे 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7, उसमें अगर 4 हो एच, तो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। एक तो sp3 जो कि कॉमन है, और अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है तो आपको याद रखना है कि dsp2 भी हो सकती है। और dsp2 में जो डी ऑर्बिटल यूज होता है, दैट इज dx²-y²। अब अगर कोई भी हैवियर एलिमेंट हो, तो याद रखना कि 4 का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, जो ये केस है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है dsp2। ऐसा क्यों होता है ये आपको पता चलेगा जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर करोगे 12th में, है ना, तब आपको क्लियर होगा कि क्यों sp3 होता है, कब dsp2 होता है, ठीक है। वो भी हाँ, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वीडियो है, बट ये वीक लिगेंड है, फिर भी ये पेयरिंग करता है, क्योंकि प्लेटिनम जो होता है दैट इज हैवी एलिमेंट, उस केस में जो पेयरिंग के चांस है वो ज्यादा रहते हैं, याद रखना। तो PtCl42 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन जो आपकी होगी वो dsp2 होगी। वेरी मच डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।